तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं मंजू शेख और वीडियो के साथ आ चुका हूं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडोस 380 क्रिकेट गेम के बारे में। यानी कि गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेडोस 380 क्रिकेट गेम में आने वाले कुछ न्यू फीचर्स जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त को गवाए। तो जैसा कि आपको बताया कि हेडोस 380 क्रिकेट गेम जो है वो लॉन्च होने वाला है इस हफ्ते में। यानी कि जो आने वाला हफ्ता है 13 से लेकर 19 के बीच में आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी थी, जिसकी लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखी है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। जिसमें मैंने आपको बताया कि हेडोस 380 क्रिकेट गेम जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन गूगल से उसको अप्रूवल नहीं मिल पाया, इसलिए वो गेम जो है अभी तक प्ले स्टोर पर नहीं आया है। और इस हफ्ते में उसको अप्रूवल मिल जाएगा और गेम जो है आ जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं हेडोस 380 क्रिकेट गेम में आने वाले कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हेडोस 380 क्रिकेट गेम में आने वाले कुछ न्यू टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है द 100 क्रिकेट लीग। यानी कि द 100 क्रिकेट लीग जो है वो ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा लॉन्च हुआ था 2021 में, और आई थिंक इसका फर्स्ट सीजन जो है वो एंड भी हो चुका है इंग्लैंड में। ये टूर्नामेंट जो है वो आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम में 100% देखने को मिलने वाला है। सेकंड नंबर पर क्रिकेट गेम आता है, क्रिकेट टूर्नामेंट आता है, वो आता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम में देखने को मिलने वाली है 100%, क्योंकि इसको ट्रेलर में भी बताया है, हेडोस 380 क्रिकेट गेम के ट्रेलर में भी बताया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें देखने को मिलने वाली है। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या माई करियर मोड इसमें देखने को मिलेगा। तो माई करियर मोड इसमें अभी नहीं देखने को मिलने वाला है, हो सकता है कि कुछ अपडेट्स के बाद वो लेकर आए, लेकिन अभी इसको माई करियर मोड आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। वुमेन्स क्रिकेट के बारे में मुझे पता नहीं है, शायद वुमेन क्रिकेट गेम जो है आपको इसमें देखने को मिल सकता है हेडोस 380 क्रिकेट गेम में। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका कुछ कह नहीं सकते। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस पे जो अपडेटेड स्कोर देखने को मिलने वाली है IPL की, वर्ल्ड की, सारे टीमों की अपडेटेड स्कोर देखने को मिलेगी। उनके नेम्स जो होंगे वो WCC2 की जरह नहीं होंगे, बिल्कुल रियल नेम्स होंगे। ग्राफिक्स है वो यहाँ पर आपको WCB2 की जरह देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये गेम जो है क्रिएटिव मंकी बना रही है और उन्होंने WCB2 को भी गेम को भी बनाया था। तो ग्राफिक्स आपको WCB2 के जैसे मिलेंगे, लेकिन उतने भद्दे नहीं मिलेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड मिलने वाले। तो बात करें इसमें आने वाली न्यू कॉमेंट्री के बारे में, तो न्यू कॉमेंट्री आपको मैथ्यू हेडन सर की देखने को मिलने वाली, क्योंकि ये गेम ही उन्हीं के बेस पर बना है, तो उन्हीं की कॉमेंट्री आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो सबसे पहली कॉमेंट्री होगी। इसके अलावा भी ये कुछ कॉमेंट्रीज एड करेंगे शायद WCB CC3 की तरह, लेकिन फर्स्ट कमेंट्री आपको मैथ्यू हेडन सर की देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थे हेडोस 380 क्रिकेट गेम में आने वाले कुछ न्यू फीचर्स और न्यू टूर्नामेंट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम 700 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। दोस्तों, WCC3 में NPL ऑप्शन कैसे अनलॉक करते हैं वो वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आज शाम 5 बजे आने वाली है, तो उस वीडियो को देखना भी बिल्कुल मत भूलना। और अभी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।